वाल्मीकि के नाम पर अयोध्या के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नामकरण हुआ। बाला साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए पंच तीर्थों के लिए भी मोदी जी के प्रयास से कार्य पूरे हुए। बहनों भाइयों, महापुरुषों को सम्मान कैसे दिया जाना चाहिए, ये मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने कर दिया। देश के अंदर बिना भेदभाव की योजनाओं को कैसे आगे बढ़ाया जाना चाहिए। योजनाओं का आधार व्यक्ति नहीं, परिवार नहीं, जाति नहीं, मत नहीं, मजहब नहीं, क्षेत्र और भाषा नहीं हो सकता। इसका आधार होगा गांव, गरीब, किसान, महिलाएं, समाज का प्रत्येक तबका जो वंचित है वह इन योजनाओं का आधार होगा। और इसी के लिए मोदी जी ने कहा कि देश के अंदर जो चार ही जातियां हैं, एक गरीब है, एक किसान है, एक युवा है और एक महिलाएं हैं, एक चारों का उत्थान हो जाएगा, भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनने से कोई नहीं रोक सकता है। और बहनों भाइयों, इन चारों के लिए ही ध्यान में रखकर के भारतीय जनता पार्टी अपना घोषणा पत्र ज्ञान बनाने जा रहा है। और ये लड़ाई ज्ञान बना गण के बीच होने जा रही है, झूठे आरोप लगा करके। जब हम गरीबों का हक पर डकैती डालने का जो प्रयास करते थे, वे लोग आज फिर से आपके बीच में आ रहे होंगे, अलग अलग तरीके से आ रहे होंगे। और यहां पे तो हमें कोई चिंता भी नहीं है, इसलिए भी चिंता है कि प्रफुल्ल जी भी आपके साथ में है, शिवसेना भी यहां पर जो बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा को लेकर के कार्य करने वाला जो बड़ा धड़ा है वह लोग बीजेपी के साथ में ही आज इस समय मिलकर के सरकार चला रहे हैं। और साथ साथ रिपब्लिकन पार्टी के साथ में सभी लोग एक साथ मिलकर के विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए हमें विकसित महाराष्ट्र को आगे बढ़ाना है। और इसके लिए आज हम सब आपके पास आए हैं। हमें प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरा कार्यकाल इसलिए देना है क्योंकि मोदी जी ने देश को इस बारे में मोदी जी ने स्पष्ट किया है कि तीसरे कार्यकाल के पहले 3 वर्ष में भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था का मतलब प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी, रोजगार के सृजन होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े बड़े कार्य होंगे, महिलाओं के उत्थान के लिए, किसानों की खुशहाली के लिए, नौजवानों के रोजगार के लिए नए अवसर आएंगे, दबे कुचले वंचित लोगों के लिए भी नए अवसर उपलब्ध होंगे, गरीब कल्याणकारी योजनाएं और अच्छे ढंग से आगे बढ़ पाएंगी। और उसी को ध्यान में रखकर के आज सरकार कार्य कर रही है और विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए आवश्यक है कि विकसित महाराष्ट्र हो। और विकसित महाराष्ट्र के लिए आवश्यक है कि गोंदिया और भंडारा भी विकसित हो, विकसित हो। इस विकसित होने के लिए सुनील मेडे फिर से यहां से सांसद बने, यहां के एमपी चुनकर के जाए, इसके लिए आपका आशीर्वाद आवश्यक है। आप सभी सहमत हैं? सभी लोग चुनाव जिता करके ले देंगे, मोदी जी को तीसरा कार्यकाल देने के लिए अपना आशीर्वाद देने को तैयार है ना? सभी लोग तैयार है ना? बीजेपी, एनसीपी, शिवसेना, रिपब्लिकन पार्टी, सभी लोग सहमत है? तो बहनों भाइयों, अगर सहमत है तो उत्तर प्रदेश की तय कर चुका है, 80 लोकसभा सीट है उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश को कह रहा है कि 80 की 80 मतों की हार मोदी जी के गले में। और महाराष्ट्र तो खैर राष्ट्र और महाराष्ट्र, हमें मोदी जी को राष्ट्र को के लिए चुनना है और महाराष्ट्र का आशीर्वाद हो जाएगा तो फिर कहीं कोई समस्या ही नहीं। और इसलिए भाइयों बहनों, आज हम सब आपके पास आए हैं, लेकिन सभी लोग
पहले चार पांच चरणों में चुनाव होने, यूपी में सभी 100 चरणों में चुनाव होने, लेकिन उसके बाद भी जब मुझे यहां से बोला गया कि यहां आना है तो मैंने कहा मैं जरूर जाऊंगा संतों की भूमि को, छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि को प्रणाम भी करूंगा, आपके साथ संवाद भी बनाऊंगा, आपको अयोध्या का आमंत्रण भी दे दूंगा इसी बहाने, और मोदी जी को तीसरी बार तीसरा कार्यकाल देने के लिए आप सबसे विनम्र अपील भी करूंगा, और इसी अपील के साथ आज मैं आपके बीच में यहां उपस्थित हुआ हूं। देश अच्छी दिशा में आगे बढ़ रहा है, इसको और उज्जवल भविष्य वर्तमान और आने वाली पीढ़ी की रोशनी को और उज्जवल बनाने के लिए हम सबको मिलकर के कार्य करना है। इस विश्वास के साथ आज के इस अवसर पर मैं जो हमारे भारतीय जनता पार्टी एनडीए के प्रत्याशी हैं यहां से श्री सुनील मेंडे जी को आप सबके आशीर्वाद की आकांक्षा के साथ आप सबका आशीर्वाद मिलेगा ना आपको सुनील जी आप करा जाइए एक बार आप सब मेरे साथ बोलेंगे दोनों हाथ ला करके बोलेंगे भारत माता की भारत माता की भारत माता की छत्रपति शिवाजी महाराज की छत्रपति शिवाजी महाराज की जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम।